मूंग सेकने के लिए। मूंग फ्राई करेंगे, कौन सी दिखाई कर रहे हैं कढ़ाई गिली है, सूखने के बाद इसमें देसी घी डालेंगे, उसके बाद आटे को मंदी आंच पे सेकेंगे, उसके बाद गोंद के लाडू बनाएंगे। अब इसमें 5 किलो के लगभग घी डालेंगे, उसमें 6.5 किलो मोटा आटा पिसा हुआ डालेंगे, उसको भूनेंगे। पूरी सिकाई होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। लगभग 5 किलो की हो गया है। आटा डालने के बाद पता लगेगा कम हो तो और डालेंगे। और इसमें यदि घी कम पड़ेगा तो घी और डालना पड़ेगा। 5 किलो घी जिसमें 6.5 किलो आटा, 1 किलो आटे के हिसाब से 800 ग्राम देसी चीनी, मूंग आधी किलो काजू कटे हुए, आधी किलो बादाम डालेंगे, थोड़ा काली मिर्ची डालेंगे। और घी कम है, घी और डालेंगे जिससे कि आटे की फिकाई सही हो। लगभग 1/2 किलो घी और डालना पड़ेगा।
बेटी रही काटे की सिपाही कर रही। लगभग एक डेढ़ घंटा इसकी सिपाही में लगेगा। है आटा सीखेगा तो आटा सीखने के बाद घी छोड़ने लगेगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा और इसमें देसी घी की खुशबू आने लग जाएगी। एकदम ब्राउन हो जाए और देसी घी की खुशबू आने लग जाए अच्छी तरीके से, तब मान लो आटा सीख गया। के लिए बढ़िया क्वालिटी के काजू की कटिंग हो रही है और बढ़िया क्वालिटी की बादाम की कटिंग हो रही है। इसमें लगभग 100 ग्राम काली मिर्ची भी डाली जाएगी स्वाद के अनुसार। 1 किलो घी में 1.25 किलो दरदरा आटा पिसवाकर पिसाई की जाती है। 1 किलो आटे के हिसाब से 800 ग्राम चीनी डालनी पड़ती है। आटे को पलटे द्वारा बराबर हिलाते रहना चाहिए जिससे कि कढ़ाई में आटा लग नहीं जाए, जल नहीं जाए, जिससे लड्डुओं का स्वाद में दिक्कत आए। इसलिए आटे को बराबर सिकाई करने के लिए हिलाना पड़ेगा और पूरी तरीके से सिकाई करनी पड़ेगी। ये 5 किलो के लगभग प्योर देसी घी है, 6.5 किलो इसमें बढ़िया गेहूं का आटा डाला है, लगभग 5 किलो इसमें देसी चीनी डाली जाएगी, 0.5 किलो काजू कटे हुए, 0.5 किलो बादाम, लगभग 100 ग्राम काली मिर्ची डाली जाएगी, फिर इसका स्वाद बहुत अच्छा बनेगा। सुबह दूध के साथ नाश्ते में खाओ, पूरे दिन स्वास्थ्य सही रहेगा। लगभग ये 15 से 16 किलो वजन तैयार होगा। आटा सीकने के बाद इसमें काजू कटे हुए, बादाम, काली मिर्ची डाली जाएगी और कुछ और ठंडा होने के बाद उसमें देसी चीनी डालकर थोड़ा ठंडा होने पर इसके लड्डू बनाए जाएंगे। लड्डू की साइज आप अपने हिसाब से, जैसी आपको आवश्यकता हो, छोटी साइज या बड़ी साइज वो आप बना सकते हैं, उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आटे की सिकाई पर ही लड्डुओं के स्वाद का मूल आधार है। यदि आटे को सही तरीके से सेका गया तो आपके लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनेंगे और खाते समय आपके मुंह में पानी आने लग जाएगा। इसलिए मेन कारीगरी यही है कि आटा की सिकाई अच्छी तरीके से हो, घी की मात्रा बराबर हो, आटा लगने न पाए, इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है लड्डू गूंद के बनाते हुए। धीरे धीरे आटा सीकना चालू हो गया है, मंदी आंच पर इसको सेक रहे हैं। लगभग इस आटे को सीकने में 1.25 घंटा लग जाएगा।
चलना ध्यान है नहीं टपक जाओ रस्ते में। गूंद के लड्डू तैयार हो रहे हैं। पलटा बहुत भारी हो गया। अरे पलटा चलाने से बढ़िया तो जिम मार लिया आदमी हड़की रहोगी। चलता ही को नहीं बड़ा दौर आ रहे हैं भाई साहब मेरे बस को नहीं हो। लग रहा है तलवार चला है उंगली। जिससे कि काली मिर्ची आटे के साथ थोड़ी बहुत सिकाई हो जाए और राजस्थानी लड्डुओं का स्वाद बढ़ जाए। हो गई है। अब इसमें हम काजू की कटिंग की हुई और बादाम कटिंग की हुई डालेंगे जिससे कि आटे के साथ वो भी काजू है बादाम की भी सिकाई हो जाए। आटे की लगभग 80% सिकाई हो गई है। अब इसमें कटी हुई बादाम डालेंगे जो आटे के साथ उनकी भी सिकाई हो जाए जो खाने में फिर दिक्कत ना हो जाए। सिकाई पूर्ण होने में आ रही है। अब विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि आटे को बराबर हिलाते रहना चाहिए जिससे कि आटा कढ़ाई में लगे नहीं। और जब आटा पूर्ण रूप से घी छोड़ देगा जब आपका आटा सिक्के तैयार है उसको ठंडा करके उसमें पहले गूंद डालेंगे फ्राई किया हुआ और उसके बाद लगभग 5 किलो बढ़िया क्वालिटी की देसी चीनी डालकर इसके लड्डू बनाए जाएंगे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और पौष्टिक भी बनेंगे। राजस्थान के प्रसिद्ध बूंद के लड्डू बना रहे हैं। हमने सबसे पहले बढ़िया क्वालिटी का बूंद लेकर देसी घी में 1 किलो बूंद फ्राई करके रखा है। 5 किलो बढ़िया देसी घी जिसमें बढ़िया क्वालिटी का दरदरा आटा 6.5 किलो 100 ग्राम काली मिर्ची और 0.5 किलो काजू कटिंग 0.5 किलो बादाम डाली है। और इसकी सिकाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि आटा लगे नहीं। इसके लड्डू इतने स्वादिष्ट तैयार होंगे। आप सुबह दूध के साथ 1 लड्डू का नाश्ता करें आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और एक बार जो ये लड्डू खाएगा वो बार बार लड्डू खाने के लिए तैयार रहेगा। ये राजस्थान का बहुत ही स्वादिष्ट बूंद का लड्डू है जो कि सर्दियों में बनाकर तैयार किया जाता है।
सारा राजस्थानी जो गोंदी के लड्डू बना रहे हैं उसकी सिकाई पूर्ण हो चुकी है और आटा सीख गया है, काली मिर्ची भी सीख गई है, काजू भी सीख गए हैं, बादाम भी सीख गए हैं। अब हम आँच को बंद करेंगे और थोड़ा आटा ठंडा करके पहले उसमें भुना हुआ गूंद डालेंगे और उसके बाद थोड़ा और ठंडा होने के बाद चीनी डालकर इसके गूंद के लड्डू बनाएंगे। आटा पूर्ण रूप से सीख गया है, एकदम बढ़िया सिकाई हुई है, घी छोड़ दिया आटे ने। अब हम गैस को बंद कर रहे हैं और इसको थोड़ी देर हिलाना पड़ेगा क्योंकि कढ़ाई गर्म है, आटा लग नहीं जाए, इसलिए इसको 5-7 मिनट तक बराबर हिलाना पड़ेगा। लड्डुओं में भुना हुआ गूंद डाल के इसको मिलाएंगे। लगभग 1 किलो गूंद देसी घी में भुना था जो हमने सिके हुए आटे में अब डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से पलटे द्वारा मिलाएंगे और आटा ठंडा होने के बाद इसमें 5 किलो देसी चीनी डालकर इसके लड्डू बनाए जाएंगे। इसमें 6.5 किलो आटा है, 5 किलो देसी घी डाला है, 1/2 किलो काजू कटिंग करके डाला है, 1/2 किलो बादाम डाली है, 100 ग्राम काली मिर्ची डाली है और लगभग 800 ग्राम के हिसाब से 1 किलो के 5 किलो चीनी डालेंगे और ठंडा होने के बाद इसके गूंद के लड्डू बनेंगे बहुत अच्छे, जो खाने में बड़े टेस्टी होंगे। अब इसमें देसी चीनी डालेंगे, 5 किलो चीनी है और इसको मिलाएंगे। उसके बाद इसके लड्डू बन देंगे। लड्डू आप अपनी इच्छा अनुसार छोटे व बड़े तैयार कर सकते हैं, लड्डू बहुत टेस्टी बनेंगे। चीनी भी 1 नंबर की डाल दी, आप देख रहे हो कितनी साफ सुथरी चीनी है। अब इसको हम मिलाएंगे इसको, इस चीनी को इसमें। देखो चीनी से मिला रहे हैं, चीनी मिलने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बनेंगे और फिर इसके लड्डू खाने में बड़े टेस्टी होंगे। राजस्थान का प्रसिद्ध गूंद का लड्डू होता है, इसका मेन बनाने में ही मेन कारीगरी है, इसको यदि सही बनाओगे तो ये बहुत टेस्टी बनता है। अब अच्छी तरीके से चीनी मिलाएंगे, उसके बाद ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसके लड्डू बनेंगे।
बहुत ही बढ़िया बनी।